हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अध्याय तीन कर्मयोग का अध्ययन कर रहे हैं और कर्मयोग में भगवान का जो संदेश है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे श्लोक संख्या है अध्याय तीन का 35वां श्लोक। तो इस 35वें श्लोक पर हम ध्यान देंगे, इसका अर्थ समझेंगे और इसका तात्पर्य समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने जब अर्जुन को ये संदेश दिया है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो अभी हम पहले शब्दार्थ पर ध्यान देंगे और उसके बाद भावार्थ देखेंगे और उसके बाद तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। श्रेयान मतलब अधिक श्रेयस्कर, स्वधर्म अपने नियत कर्म, विगुणा दोष युक्त भी, परधर्मात् अन्यों के लिए उल्लेखित कार्यों की अपेक्षा, सुअनुष्ठितात् भली भांति संपन्न, स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में, निधनम विनाश या मृत्यु, श्रेय श्रेष्ठतर, परधर्म अन्यों के लिए नियत कार्यों में, भयावह खतरनाक या डरावना। यह शब्दार्थ को देखने के बाद अभी हम भावार्थ इसका समझेंगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा है अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके जो नियत कर्म हैं उनको आप थोड़े बहुत त्रुटिपूर्ण ढंग से भी करें, दोषपूर्ण ढंग से भी करें, तो वो संपन्न करना ज़्यादा श्रेष्ठ है बजाय इसके कि दूसरे के कर्मों को आप बहुत अच्छी तरीके से करें। बहुत साधारण सा उदाहरण है इस बारे में। कहते हैं हम साधारण जनजीवन में भी हमने भी ये सुना होगा, लोग कहते हैं कि तुम टांग मत अड़ाओ, अपने काम से काम रखो। यहाँ वही बात कही गई है, भगवान कह रहे हैं अपने नियत कर्म को करो चाहे वो दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना कर रहे हो, अपने काम से काम रखो। वही मतलब है यहाँ पर कि अपने नियत कर्म को करो भले ही वो दोषपूर्ण ढंग से आप संपन्न कर रहे हो, लेकिन दूसरे के कर्मों में टांग अड़ाना भले ही उसे आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो वो श्रेष्ठ नहीं है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे जब इसकी व्याख्या करेंगे आगे और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो स्वीय कर्मों को करते हुए मरना, स्वीय कर्मों, स्वीय मतलब अपने अपने कर्म, स्व मतलब मेरा अपना, तो अपने कर्मों को करते हुए मरना, अपने ही जो कर्म हैं आपके वो करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। पराये कर्मों को करते हुए मर जाओ उससे श्रेष्ठ तो ये है कि अपने ही कर्मों को करते हुए मरो, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यहां जो यहां कर्मों की बात की गई है तो किसी दूसरे के कर्मों में, किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से बेहतर यह है, क्योंकि वो भयावह परिणाम देने वाला हो सकता है। इसलिए अपने ही कर्मों को करते हुए भले ही आप मर जाओ वो ज्यादा श्रेष्ठ है, दूसरे के कर्मों को करने की चेष्टा मत करो। ये बात यहां पर अर्जुन को भगवान ने क्यों समझाई है, तात्पर्य से हमें ये और समझ में आएगा और जब इसकी व्याख्या हम करेंगे तो इसको और समझेंगे। तो तात्पर्य परपर्ट वाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। नियत कर्म क्या है, हमने पिछले कई सारे श्लोकों में कर्मों की व्याख्या देखी है क्योंकि ये अध्याय ही कर्मयोग का है। तो आप हमारे नियत, एक व्यक्ति के, एक जीव के नियत कर्म क्या हैं और अनियत कर्म क्या हैं, इनकी व्याख्या हम कई बार पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, फिर भी धीरे धीरे हम इस व्याख्या को और स्पष्ट करेंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नियत कर्म, जो अन्यों के नियत कर्म हैं वो अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना व्रत में करे, जो अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को, जो दूसरों के नियत कर्म हैं, मान लीजिए जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके सभी के नियत कर्म हैं,
इन नियत कर्मों को ब्राह्मण के कार्य अगर क्षत्रिय करने लगे, क्षत्रिय का कार्य वैश्य करने लगे, और वैश्य का कार्य शूद्र करने लगे, शूद्र का कार्य ब्राह्मण करने लगे, तो वो सब उल्टा सुलटा हो जाने वाला है और उसमें क्या होगा, उसमें अनर्थ होगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा, दूसरों के जो नियत कर्म है उनकी अपेक्षा, अपने नियत कर्म को कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करें। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म हैं। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म, जो भौतिक दृष्टि से मतलब जो मटेरियल लाइफ में जो नियत कर्म है, मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार जो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस है उसके अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन उसके कर्म निर्धारित किए गए हैं। वो ऐसे कर्मों का आदेश है जो भगवान ने दिया है, जो प्रकृति के गुण, भौतिक प्रकृति के गुण कौन से गुण हैं, वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, उनके आधार पर ही व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार वो कर्म नियत होते हैं। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। आध्यात्मिक कर्म जो स्पिरिचुअल कर्म है वो उनके आदेश कौन देता है, गुरु देता है। किस लिए देता है, कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए, कि कृष्ण की सेवा आप करें, कृष्ण की सेवा के लिए वो गुरु के द्वारा आदेश दिया जाता है। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, चाहे तो वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन किए गए कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो जो कि भगवान की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार के कर्म क्यों ना हो, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। मृत्यु होने तक, सांस निकलने तक, चेतनाहीन होने तक, चेतना शून्य होने तक मनुष्य को अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अन्यों के लिए जो निर्धारित कर्म है, जो आपके लिए निर्धारित कर्म है वही आप करें, ना कि दूसरों के लिए निर्धारित कर्मों का अनुकरण करें आप। उससे क्या है, आपका जीवन और दूसरे का जीवन, दोनों ही जीवन दुविधा में पड़ जाने वाले हैं, द्वंद्व हो जाने वाला है उसमें। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तरों पर, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ही स्तरों पर ये कर्म अलग अलग हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। कर्ता के लिए क्या होगा, जो कर्म कर रहा है उसके लिए क्या उत्तम है, उसके लिए यही उत्तम है कि वो प्रामाणिक निर्देशन में, प्रामाणिक निर्देशन कहाँ से आएगा, प्रामाणिक निर्देशन आएगा गुरु से, क्योंकि गुरु को, जो कि डिसिप्लिक सक्सेशन में, गुरु परंपरा में जो हमारे लिए ज्ञान दे रहा है, जो दिशा निर्देश दे रहा है, वो दिशा निर्देश हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, श्रेयस्कर होगा, हमें वही करना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए। तो किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा, वही उत्तम है कि हम प्रामाणिक गुरु के माध्यम से जो हमें निर्देश मिला है, जो आदेश मिला है, हम उसका पालन करें। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो जाता है, प्रकृति के गुण कौन से, वही रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो जाता है तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो विशेष अवस्था है, मतलब वो तमोगुण में है तो तमोगुण में, सतोगुण में है तो सतोगुण में, और रजोगुण में है तो रजोगुण में, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका ही पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मतलब वो अगर सतोगुण में है और वो तमोगुण वाले जो कार्य हैं उनको करने लगेगा तो क्या होगा, वो सतोगुण में भी नहीं रहेगा और तमोगुण में भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपना स्थान छोड़ दिया। जो गुणों में वो स्थित है वो छोड़कर वो तमोगुण में जो शूद्रों वाले कार्य हैं वो करने लगा। उदाहरणार्थ सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि जो सतोगुणी ब्राह्मण है वो सिर्फ क्या करता है, वेद अध्ययन करता है, पठन पाठन का काम करता है, शिक्षा देता है, गुरुकुल चलाता है और जो समाज है उसके लिए मार्गदर्शन देता है। हाँ, वो कभी हिंसा का पालन नहीं करता, हिंसक कभी नहीं होता है। किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। जो क्षत्रिय है वो रजोगुणी में बताया गया है, वो रजोगुणी है तो उसके लिए हिंसक होना उसके लिए परमिशन है, लेकिन ब्राह्मण के लिए वो उचित नहीं है। तो रजोगुण और सतोगुण, यहाँ पर इसका अंतर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, क्षत्रिय को युद्ध में हिंसा करते हुए अगर वो मर भी जाए तो उसके लिए वो श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। जबकि ब्राह्मण जो अहिंसा का पालन करता है
वेदों का पठन पाठन करता है, यज्ञ करता है, उसका अनुसरण करना, अनुकरण करना उसको आवश्यक नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है उसके लिए, क्योंकि क्षत्रिय वो रजोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका कार्य तो सिर्फ युद्ध करना और युद्ध में ही अपने आप को समाप्त कर देना है। तो हर व्यक्ति को यकायक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो अब आप अगर अपने हृदय को स्वच्छ बनाओगे तो आप अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करोगे, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामत में पूर्णतया लीन हो जाता है, जब वो प्रकृति के गुणों को लांग चुका है, वो तमोगुण में भी नहीं है, रजोगुण में भी नहीं है, सतोगुण में भी नहीं है, कहाँ आ गया वो, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की सेवा में चला गया है, पूरी तरह से उसमें लीन हो गया है, तो वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वहां पर फिर गुणों की श्रेणी नहीं रह जाती है, वहां पर सारा कुछ जो है वो कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए समर्पण है और प्रामाणिक गुरु का निर्देशन है। तो प्रामाणिक गुरु ने कहा कि तुम रोजाना 16 माला करो, वेदों का पाठ करो, शास्त्रों का पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो, भागवतम का पाठ करो और इस तरह से सेवाएं करो, तो वो उसके निर्देशन में काम करने पर वो सभी गुणों से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में अगर वो कृष्ण भावनामृत में है तो वो व्यक्ति, ऐसा जीव क्या कर सकता है, उसको वहां पर अनुमति है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह कार्य कर सकता है, मतलब वो वेदों का जो पठन पाठन है वो भी कर सकता है, और एक ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। तो ब्राह्मण जो है मतलब वहां पर हिंसाचार की अनुमति है, किसके लिए कर रहा है, वो भगवान के लिए कर रहा है जो कुछ कर रहा है, और किसी के लिए नहीं कर रहा है। तो दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता, क्योंकि वो ऐसी इटर्नल स्टेटस है आपकी, वो ऐसा स्थान है जहां पर कि आपका जो भौतिक जगत का भेदभाव है, जो इस मटेरियल लाइफ का जो भेदभाव है, उसका कोई मायने नहीं रह जाता, वो खत्म हो जाता है अपने आप से। तो वो जब खत्म हो जाता है तो हमें फिर जरूरत नहीं है कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कर्म करने की श्रेणी है रजोगुण तमोगुण सतोगुण की, वो किस पर आधारित है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों पर आधारित है, और हम उनसे ऊपर उठ गए, हम दिव्य स्थान में चले गए। कहाँ पर, कृष्ण भावनामृत में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। उदाहरण के तौर पर यहाँ भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, विश्वामित्र जो थे वो मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। तो वो लोग इतने उच्च स्तर पर चले गए कि वो भौतिक जगत के जो गुणों का क्रमिक विकास है उससे ऊपर चले गए, दिव्य स्थिति में पहुंच गए, डिवाइन स्टेटस में आ गए। तो जब वो डिवाइन स्टेटस में आ गए तो क्या हुआ, ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित हो गए तो वो ये संभव हो सका कि उन्होंने अपने कर्मों को बदल लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय का काम करने लगा और क्षत्रिय ब्राह्मण का काम करने लगा, ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही ऐसा हुआ। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, भौतिक स्तर पर उसको वही करना चाहिए जो प्रकृति के गुण के अनुसार उसको निश्चित किया गया है। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का जब तक कि पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने जो अंत में बताया है कि कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध भी हो और पहले आप अपने गुणों के अनुसार कार्य करते रहें और उसके बाद आप जब दिव्य स्तर पर पहुँच जाएँ, कृष्ण भावनामृत का पूरी तरह से आप उसमें डूब जाएँ, पूरी तरह से लीन हो जाएँ, दिव्य अवस्था में पहुँच जाएँ, तो आप क्या करें, तो आप फिर ये जो प्रकृति के गुण हैं अपने आप से आपके अंदर से निकल जाएंगे, फिर आप दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाओगे, उससे भर जाओगे और फिर आप दिव्य गुणों के अनुसार ही कार्य करोगे। किसके लिए कार्य करोगे, भगवान के लिए कार्य करोगे। अभी इस श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या हम और करेंगे। तो नियत कर्म जो हैं वो हमारे कर्तव्य हैं और उनका पालन अगर हम करेंगे तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, हम किसी भी समस्या में नहीं आएंगे। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, जीव को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का या अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, हाँ बल्कि निष्काम और अनासक्त होकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए।
अपने धर्म का पालन करना से करने से क्या है, वो उसके लिए स्वाभाविक है, सहज है। जैसे ब्राह्मण के लिए जो है, क्षत्रिय के लिए जो है, वैश्य के लिए जो है, वैश्य के लिए है कि वो खेती करेगा, अन्न उगाएगा, लोगों का पालन पोषण करेगा, लोगों का मतलब जो प्रजा है उसके लिए वो पैदा करके अन्न देगा, हाँ, और अपना घर चलाएगा और उन लोगों का भी घर चलेगा। तो इस तरीके से शूद्र का जो कार्य है, तो मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने उसके कर्म निर्धारित किए गए हैं। जब आपका जन्म हो गया, आपका जन्म क्षत्रिय के घर में हो गया, तो आपके कर्म निर्धारित हो गए कि क्षत्रिय के कर्म क्या हैं। तो भगवद गीता के अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 41 में भगवान कहते हैं, जो ये वर्णन उन्होंने किया है, वर्णन उन्होंने इस तरह से किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवय गुणे। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में कि हे परंतप, परंतप मतलब दूसरों का दुख दूर करने वाले, अर्जुन से बात कर रहे हैं, वो अर्जुन को बता रहे हैं, हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। दे आर डिफ्रेंशिएटेड बाय देयर नेचर, उनका जो स्वभाव है उसके द्वारा उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण और शूद्रों में, और उसके अनुसार ही उनके कर्म निर्धारित होते हैं। अतः नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब वो निष्काम होकर उसके लिए निर्धारित कर्म करता है तो वो बंधन से बंधन में नहीं रहता है, कर्मों के बंधन में नहीं रहता है, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। अतः अगर अपने कर्मों को, अपने लिए निर्धारित कर्मों में अगर दोष भी दिखाई दे, जो नियत कर्म है, कर्तव्य, उनमें दोष भी दिखाई दे, वो फॉल्टी भी लगे, तभी भी स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके लिए भगवान ने इसी 18वें अध्याय में जो अंतिम है उस 48वें श्लोक में और आगे कहा है। 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन, सदोषम अपि न त्यजेत, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निर विवावृता। हाँ, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कार्य भगवान कहते हैं किसी न किसी दोष से ढका हुआ रहता है। हर कार्य में कोई ना कोई दोष है, हर एक प्रयास में कोई ना कोई दोष है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, उदाहरण भी भगवान ने दिया है, अग्नि जो है वो जिस तरीके से धुएं से आवृत रहती है, हर एक बार आप आग जलाओगे वहां पर धुआं जरूर होगा, इसी तरह से कोई भी कार्य करोगे उसमें दोष जरूर होगा। अतएव हे कुंती पुत्र, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, जो उसके स्वभाव से आ रहा है, उसको भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। तो भगवान ने इस कर्मयोग की बात के लिए, इस कर्मों के करने की व्यवस्था के लिए बार बार जोर दिया है, बार बार बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि अर्जुन जो थे वो कर्म से विमुख होने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं भिक्षा लेकर, अन्न खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा, वही श्रेष्ठ है मेरे लिए, मैं ऐसे महापुरुषों को नहीं मारूंगा जो कि मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, उससे बेहतर है कि मैं संसार में भीख लेकर, मांग कर खा लूं और जीवन जी लूं अपना। तो भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, कौन, वो लोग जो कि कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं, भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं क्योंकि उन्हें राज्य चाहिए, तो भी हैं तो हमारे वरिष्ठ, हैं तो हमारे वरिष्ठ संबंधी, हैं तो हमारे पितामह, हैं तो हमारे गुरुजन, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगी गई हर एक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। अर्जुन यहाँ तक भावुक हो जाते हैं दूसरे अध्याय में, और वो कहते हैं कि मैं ऐसा युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो भगवान उनको समझाने के लिए, तुम्हें युद्ध तो जो है वो तुम्हारी प्रकृति में लिखा हुआ है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें तो युद्ध करना ही है। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानो ये समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म है, आपके लिए नहीं, आप क्षत्रिय हो, आप भिक्षुक नहीं हो। भगवान ने यहाँ भी उसका जवाब दिया उनके लिए कि आपका धर्म है क्या, आपका कर्तव्य क्या है, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, भिक्षुक नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कार्य भिक्षा भिक्षा मांगना नहीं है, तुम्हारा कार्य है युद्ध लड़ना और न्याय प्राप्त करना। पहले अध्याय में ही जब अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तो तब भी भगवान ने कहा
कि धर्म में युद्ध करने से कोई पाप नहीं होता है, तुम धर्म का कार्य कर रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, इससे कोई भी पाप नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम इस बात को ये समझने के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो नियत कर्म हैं इनको अगर हम ठीक ढंग से करते रहेंगे तो हमें कहीं भी कोई असुविधा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उन नियत कर्मों को करते हुए हम धीरे 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 कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठें और कहाँ पहुँच जाएँ, भगवान के दिव्य धाम में भगवान के चरणों की सेवा के लिए पहुँच जाएँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel. And for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna.